आईपीएल 2021 फेज 2 के शुरू होने से करीब एक महीने पहले बीसीसीआई ने सभी टीमों के लिए एक खुशखबरी दी है। आईपीएल का दूसरा चरण 19 सितंबर से शुरू होना है। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। आईपीएल टीमों ने यूएई पहुंचना भी शुरू कर दिया है। इस बीच बीसीसीआई ने आईपीएल की सभी 8 टीमों के लिए अच्छी खबर दी है। पता चला है कि आईपीएल 2021 के फेज 1 में जो खिलाड़ी चोट या फिर अन्य किसी कारण से बाहर हो गए थे, वे अगर ठीक हैं तो अपनी अपनी टीम में वापसी कर सकते हैं। इससे सभी टीमों को फायदा होगा। इसकी जानकारी देने के लिए बीसीसीआई ने आखिरी तारीख 20 अगस्त रखी गई है। आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी के अभी हमारे चैनल NN Sports को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पर प्रेस करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, इससे आपको आसानी होगी। आईपीएल के मुख्य संचालन अधिकारी हेमांग अमीन ने कहा कि आईपीएल 2021 के लिए टीमों में खेलने वाले किसी खिलाड़ी को चोट लग गई हो या फिर किसी और कारण से खिलाड़ी ने खुद ही खेलने से इनकार किया हो तो टीमों ने उनका रिप्लेसमेंट मांगा था। अब अगर पहले वाला खिलाड़ी वापसी करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी होगा कि पहले वाले खिलाड़ी या फिर बाद वाले खिलाड़ी में से टीम को किसी एक को ही चुनना होगा। जो भी खिलाड़ी चुना जाएगा उसकी लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी होगी ताकि बीसीसीआई की जानकारी में पूरी बात रहे। ऋषभ पंत अभी टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड में है, वहीं श्रेयस अय्यर यूएई पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक फोटो पोस्ट की थी, उससे इस बात का पता चला है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। आपको जाते जाते बताते हैं कि आईपीएल 2021 के फेज 1 में कौन कौन सी टीमों ने कौन कौन से खिलाड़ी रिप्लेस किए थे, ताकि आपको पता रहे कि हुआ क्या था। अभी हम आपको लिस्ट दिखाएंगे, लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और अब देखिए पूरी लिस्ट।